पर भारी बर्फबारी और वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से हुई बारिश ने उत्तर भारत का पारा लुढ़का दिया है। सोमवार रात हुई बारिश से दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में तापमान में तेजी से गिरावट आ गई है। वहीं आज यूपी, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट है। दिल्ली में भी आज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से राजधानी दिल्ली के मौसम में सोमवार को काफी बदलाव आया। बारिश के हालात तो पहले से बने थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। कई बार तो 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी हवाएं भी चली। आखिरकार कल दिल्ली एनसीआर में जमकर बारिश हुई, जिससे तापमान में करीब 5 डिग्री की गिरावट आई है। सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री रहा, यह सामान्य से 3 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री रहा। आज भी बादल छाए रहेंगे, बूंदाबांदी होने की संभावना है और आज दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक रह सकता है। हालांकि 18 अक्टूबर से मौसम साफ हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी ठंडी हवा चलने की शुरुआत हो गई है। सोमवार को उत्तर भारत के कई शहरों में गरज के साथ मूसलाधार बारिश हुई तो दिल्ली एनसीआर में कुछ हिस्सों में तेज बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से पारा नीचे लुढ़का है। मौसम की पहली बर्फबारी से न्यूनतम तापमान 0 से 5.8 डिग्री नीचे पहुंच चुका, तो इसका असर अब मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है। तेज हवाओं के साथ साथ वहां बारिश हो रही है। देर रात दिल्ली, यूपी और पंजाब के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जो कि आज भी जारी रह सकती है। मौसम विभाग की माने तो देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आज भी बारिश होने की संभावना है। तो उत्तराखंड में बर्फबारी का प्रकोप सबसे ज्यादा इस बीच देखने को मिल रहा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और रुद्रप्रयाग में जमकर बर्फ गिर रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और पुंछ में भी भारी बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ में भी बर्फ गिरने का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे इलाके में लगातार ठंड बढ़ गई है। और उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की ये तस्वीरें, जहां पर हिमपात शुरू होने के साथ कड़ाके की ठंड महसूस की गई है। और अब आपको रुद्रप्रयाग की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर बारिश और बर्फबारी के बाद सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक अब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यहाँ पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी और इसके अलावा ठंड भी अब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड जैसा हाल जम्मू कश्मीर का भी है, जहां कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों में हिमपात देखने को मिल रहा है। रामबन की महू घाटी के कई इलाकों में मौसम का पहला हिमपात देखा गया और पुंछ के मुगल रोड के ऊंचे इलाके भी बर्फ की चादर में ढके हुए नजर आ रहे हैं, जहां सड़कें पूरी तरह से गायब हो गई हैं और तापमान 0 से नीचे चला गया है, जिसे देखते हुए कई जगहों पर रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। वहीं जॉर्जिला ब्रो में भी भारी स्नोफॉल की वजह से श्रीनगर ले राजमार्ग बंद कर दिया गया है, जिस वजह से लोगों को खास परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जगहों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी अचानक मौसम ने करवट ले ली है, जिस वजह से कई जगहों पर धुंध देखने को मिली। IMD की माने तो आने वाले 24 घंटे में प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। वहीं पंजाब के अलग अलग हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। तस्वीरें अब आपको लुधियाना की दिखाएंगे, जहां पर हवाओं के साथ आई बारिश की वजह से धान की फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो काफी जगह पर बारिश हुई है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन सभी जगहों पर बारिश देखने को मिली और वहां पर स्नोफॉल भी हुई है। और हिमाचल के शिमला में भी भारी बारिश देखने को मिली, जिसके बाद बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। और कल दिल्ली NCR में भी जमकर बारिश हुई, जिससे तापमान में करीब 5 डिग्री की गिरावट आई है। सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री रहा और यहाँ पर सामान्य से 3 डिग्री कम रहा तापमान। तो अब टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक रह सकता है आज दिल्ली में, यह अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि 18 अक्टूबर से मौसम साफ हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।